गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप सभी। मैंने आपको कल लेसन पढ़ाया था 10, लेसन नंबर 10, प्यारे बापू। आज आप इसे प्रश्न उत्तर करें क्लास पास, लिखे मेरे साथ आपकी प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1 है, हमारे राष्ट्रपिता कौन थे। हमारे राष्ट्रपिता कौन थे। ठीक है, नेक्स्ट आप इसका उत्तर देखो। हमारे राष्ट्रपिता बापू, हमारे राष्ट्रपिता थे बापू, हमारे राष्ट्रपिता थे। बापू हमारे राष्ट्रपिता थे। नेक्स्ट है, बापू का पूरा नाम क्या था। प्रश्न नंबर 2 है, बापू का पूरा नाम क्या था। ठीक है, इसका उत्तर देखो अब। बापू का पूरा नाम क्या था। मोहनदास करमचंद गांधी। बापू का बापू का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। अगला देखिए, बापू का जन्म कहाँ हुआ था। बापू का जन्म कहाँ हुआ था। गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर। बापू का जन्म कहाँ बापू का जन्म कब हुआ सॉरी बापू का जन्म कब हुआ। बापू का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। बापू का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। हाँ, बापू के माता पिता का क्या नाम था। और प्रश्न है, बापू के माता पिता का क्या क्या नाम था। उत्तर देते हैं, बापू के पिता का नाम करमचंद गांधी था। बापू के पिता का नाम श्री करमचंद गांधी
श्री करमचंद गांधी था तथा माता का नाम पुतली बाई था। माता का नाम श्रीमती पुतली बाई था। ठीक है, पापा का नाम क्या था उनके? मोहनदास करमचंद गांधी। और माता का नाम क्या था? श्रीमती पुतली बाई। अब ये एक बार आप बोर्ड का स्क्रीनशॉट भी ले लें। पढ़ा देती हूँ आपको एक बार, क्वेश्चन आंसर का ओरल कर लेते हैं बेटे। हमारे राष्ट्रपिता कौन थे? हमारे बापू हमारे राष्ट्रपिता थे, जिन्हें हम राष्ट्रपिता क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने हमारे देश को ब्रिटिश शासन के से आजादी दिलाने में बहुत ही सहयोग किया था। यहाँ तक कि भारतीय मुद्रा में भी इनकी फोटो पाई जाती है। बापू का पूरा नाम क्या था? बापू का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था। कब हुआ था बेटा? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। अब आगे की बापू जी की माता का नाम क्या था और पिता का नाम? पिताजी का नाम तो श्री मोहनदास करमचंद गांधी था और माता का नाम था श्रीमती पुतली बाई था। ठीक है, श्रीमती पुतली बाई था। हैंडराइटिंग का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे रेगुलर।